नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम टाटा की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2020 है और आज के दिन टाटा की तरफ से हम भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी आई हुई है। दोस्तों, अगर यदि हम इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार की बात करें, तो आज से पहले टाटा की तरफ से टाटा नेक्सन जो है ऐसी पहली कार थी जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग लेकर के आई थी। और आज टाटा की तरफ से टाटा अल्ट्रोज को ग्लोबल एनकैप टेस्ट में भेजा गया था, जहां पर ग्लोबल एनकैप की तरफ से टाटा अल्ट्रोज की जो है वो क्रैश टेस्ट की गई थी। और आज उसकी जो है रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें टाटा अल्ट्रोज को जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिले हुए हैं। तो ये जानकर जो है हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम भारतीयों को टाटा पर जो है वो गर्व होना चाहिए कि टाटा हाल के दिनों में काफ़ी बेहतरीन और अच्छी गाड़ियां बना रहा है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैमाने पर हर भारतीयों के लिए जो है वो खरी उतर रही है और अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहा है। चाहे हम टियागो को ले लें, चाहे टिगोर को ले लें, नेक्सोन को ले लें, हेक्सा को ले लें। और अभी 22 जनवरी 2020 को अल्ट्रोज को जो है वो भारत में लॉन्च किया जाना है। जो गाड़ी अभी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है और उसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट जो है हुआ है, जिसमें अल्ट्रोज जो है वो 5 स्टार रेटिंग अंक लेकर के आई है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज से कुछ दिनों पहले अगर यदि हम टाटा की बात करें, तो टाटा की गाड़ियों का जो छवि है हम भारतीयों के मन में काफ़ी बुरी बनी हुई है। और लोगों का कहना है कि टाटा की गाड़ियों का जो बुढ़ापा है वो अच्छा नहीं होता है, उनकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है। और ये काफ़ी हद तक सही है कि कुछ सालों पहले तक टाटा की गाड़ियां जो है कस्टमर के अपेक्षा के अनुरूप जो है खरी नहीं उतरती थी, लेकिन हाल के दिनों में ये बात अब नहीं रही है। टाटा जो है वो काफ़ी बेहतरीन गाड़ियां, एक से एक गाड़ियां जो है वो बना रहा है। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण हम देख सकते हैं कि टाटा अल्ट्रोज जो अभी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है और इनका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है, जहां पर ये 5 स्टार जो है रेटिंग लेकर के आई है। जो एडल्ट ऑक्यूपेंट रेटिंग है इसमें इसको 5 स्टार मिले हुए हैं, वहीं पर चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग में जो है इसे 3 स्टार मिले हुए हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर टाटा टियागो या टाटा टिगोर का भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट किया जाए, तो इनकी भी स्कोर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि टाटा की गाड़ियों की अभी हाल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। और लोगों के मन में जो है ये काफ़ी बैठा हुआ है कि टाटा की गाड़ियों का लोहा ही केवल मजबूत होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि टाटा की गाड़ियों का लोहा ही नहीं, टाटा की गाड़ियों की हर चीज़ जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। चाहे टाटा की गाड़ियों की इंजीनियरिंग हो, टाटा की गाड़ियों की प्लेटफॉर्म हो, चाहे टाटा की गाड़ियों की डिजाइन लैंग्वेज हो, वो हर तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैमाने पर खरी उतर रही है और इनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी सुधर चुकी है। हम पुराने ढर्रे की मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमारे देश के लोगों के मन में ऐसी भावना हमेशा से बनी रहती है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होती हैं और उनके प्रोडक्ट को जो है हम हाथों हाथ लेते हैं। जैसे इसका ताज़ा तरीन उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, तो मारुति की जो भी गाड़ियां हैं, मारुति जैसी भी गाड़ियां हम भारतीयों के लिए बनाकर भारत में लॉन्च करें, उनकी गाड़ियों को जो है हम धड़ल्ले से खरीदते हैं और उनकी सेल्स को जो है आसमान तक पहुंचा देते हैं। वहीं पर हम टाटा की बात करें, तो टाटा हाल के दिनों में इतनी अच्छी गाड़ियां बनाने के बावजूद भी हम उनकी गाड़ियों को खरीदने से कतराते हैं। टाटा की तरफ से जो 5 स्टार रेटेड गाड़ी नेक्सन है, वो नेक्सन गाड़ी अगर यदि मारुति ब्रांड बनाई हुई होती, तो मारुति के ब्रांड के होने की वजह से उसको खरीदने के लिए हम 6 महीने साल भर की वेटिंग के बावजूद भी उनकी गाड़ियों को खरीदते। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एक जो है हमारे लिए काफ़ी खुशखबरी है कि टाटा की तरफ से टाटा अल्ट्रोज जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के ग्लोबल एनकैप टेस्ट में आई है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्विकली आज ये वीडियो बनाई है। और उम्मीद है कि ये जानकर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि टाटा की तरफ से दूसरी ऐसी कार अब आ चुकी है जो अभी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है और उसको ग्लोबल एनकैप टेस्ट में जो है वो 5 स्टार रेटिंग अंक मिले हुए हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।